सो व्हाट अप गाइस, किसो आप लोग आई होप सो होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन वन ऑफ द बेस्ट एंड डेडलीस्ट कैरेक्टर कॉम्बो के बारे में, जिसको अगर आप यूज करते हो तो अगर आपका गेम प्ले आज इधर है तो कल इधर होगा। एंड आज के कैरेक्टर कॉम्बो में ये जो न्यू कैरेक्टर है इसका भी यूज करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं और इसको किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड आप लोगों को तो पता है सीएस का न्यू सीजन आने वाला है ये 3 दिन के बाद, तो उसके लिए भी मैं आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो बता दूंगा जिससे आप एकदम इजिली सीएस पुश कर पाओगे। एंड वीआर रैंक के लिए भी बताऊंगा एंड कस्टम के लिए भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखो एक बेस्ट कैरेक्टर स्किल के लिए। तो चलो गाइस बिना कराए इसके वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम लोग को अभी तक इतना तो पता चल चुका होगा कि ये जो न्यू कैरेक्टर है काइरोस, ये करता क्या है। सबसे पहले डिफेंस मोड में ये ईपी गेन करता है, हर एक सेकंड में 2 ईपी, और ईपी फुल होते ही ये ब्रेकर मोड में चला जाता है जिससे एनिमीज का वेस्ट फोड़ सकता हो एक गोली में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वही हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो अगर तुम्हें इसको यूज करना है अपने एबिलिटी में तो कैसे यूज कर सकते हो, सबसे पहले काइरोस लो, उसी के साथ मारो लो एंड उसी के साथ मुको लो। एंड ये तीनों कैरेक्टर के साथ एक एक्टिव कैरेक्टर यूज करना है जिसका नाम है आयरिस। एंड ये कैरेक्टर कॉम्बो तुम्हें तब यूज करना है जब तुम स्नाइपर चलाते हो, और ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है एक स्नाइपर प्लेयर के लिए। और मैं तो बोलूंगा तुम भी स्नाइपर प्लेयर बन ही जाओ क्योंकि ये आ चुका है। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। Just kidding guys, अगर तुम स्नाइपर प्लेयर हो तो तुम इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। एंड मैं भी कोई स्नाइपर प्लेयर नहीं हूँ, बट मैंने ट्राई करके देखा है एंड सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा AWM स्नाइपर चला पाओगे इस कैरेक्टर कॉम्बो के साथ। एंड काइरोस आने के बाद तो भाई एनिमीज का जो एडवांटेज रहता था वेस्ट का वो भी खत्म हो जाता है अगर तुम स्नाइपर के साथ इस कैरेक्टर को यूज करते हो तो। एंड या तुम भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी स्नाइपर चलाने आता है तो ये कैरेक्टर कॉम्बो। एंड हाँ, ये जो कैरेक्टर कॉम्बो ये रैंक के लिए, ठीक है, अगर तुम बीआर रैंक खेलते हो तो ये कैरेक्टर कॉम्बो को यूज कर सकते हो और तुम स्नाइपर प्लेयर हो तो। अगर तुम दूसरे कैरेक्टर कॉम्बो की तरफ, वो ये कि तुम्हें वुंकोंग लेना है, उसके साथ मारो लेना है एंड उसी के साथ केली लेना है जिससे तुम मूवमेंट भी अच्छा कर पाओ। एंड हायतो लेना है उसी के साथ, हायतो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है बट बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, ये वाला हायतो तुम्हें लेना है, ठीक है। एंड हाँ, ये कैरेक्टर तुम्हें शॉर्ट रेंज में भी काम आएगा और मारो को जैसे लॉन्ग रेंज में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये हो गया रैंक के लिए। अभी बात करते हैं सीएस के लिए, क्योंकि न्यू रैंक सीजन आ रहा है तो तुम सीएस में कौन सा कैरेक्टर कॉम्बो की तरफ जाना चाहिए जिससे तुम अच्छे से पुश कर पाओ, रैंडम बंदे के साथ भी खेलते तो अच्छा खेल पाओ। तो सबसे पहले ओरियन के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीएस में ओरियन बहुत ज्यादा फेमस है। तो ओरियन लेना है तुम्हें, मिगल लेना है, हायतो लेना है एंड काइरोस लेना है। काइरोस वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, मैं बोल रहा हूँ ना अभी तक का। ये थोड़ा बहुत के कैरेक्टर जैसे नहीं है, चाचा भतीजा वाला रिश्ता है। तो ये है पहला कैरेक्टर कॉम्बो सीएस के लिए। तुम बोलोगे कि भाई काइरोस का क्या काम है सीएस में, तो हाँ मुझे पता है पहले राउंड में कोई काम नहीं है बट अगले राउंड से हर एक बंदा वेस्ट लेके आता है, तो तुम्हारे लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर तुम्हें ये यूज नहीं करना है तो इसके बाद तुम ये भी यूज कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा ये यूज करो, ये ज्यादा वर्थित रहेगा। अभी बढ़ते दूसरे कॉम्बो की तरफ, सीएस में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो और मैं इसको यूज करता हूँ, वो है सेंटिनो और उसी के साथ केली, हायतो एंड लीनो को यूज करो। भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो है लीनो, तुम्हें पता है एचपी रिकवर करता, जब भी तुम फाइट लेने जाते हो तो 60 HP रिकवर करके देता है। और इसका मैं इस तरीके से यूज नहीं करता हूँ, मैं इसका इस तरीके से यूज करता हूँ, जैसे ही तुम बंदे से फाइट ले रहे हो तुम्हें डैमेज पड़ता है और तुम्हें लगता है मैं इधर फाइट नहीं जीत सकता हूँ, तो तुम बैक करके तुम अपना जो एचपी हो रिकवर कर पाओगे, साथ में एक मेडिकेट भी मार दोगे तो फटाक से एचपी तुम्हारा फुल भी हो जाएगा एंड फिर वापस से तुम उधर जाके नहीं मार पाओगे क्योंकि वो वेट भी करता है ना उधर, तो हाँ बाजू से जाके मार सकते हो। एंड अभी बढ़ते गाइस तीसरे कॉम्बो की तरफ, जिसको तुम रैंक के अंदर, सीएस रैंक के अंदर एंड कस्टम के अंदर हर जगह पे यूज कर पाओगे, वो ये ताक्षिया यूज करो, लूना यूज करो और सबसे बेस्ट डीवी कैरेक्टर यूज करो और उसके साथ दासा यूज करो। भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो है, तुम इसको यूज करो अगर 1v4 क्लच करना है तो। एंड कस्टम खेलते तो दासा के बदले तुम केली भी यूज कर सकते हो क्योंकि कस्टम में तुम्हें मूवमेंट चाहिए रहेगा। तो गाइस ये थे कुछ कैरेक्टर कॉम्बो, आई होप आपको ये कैरेक्टर कॉम्बो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते सुनो में तब तक, बाय बाय एंड पीस।